ड्रोन के शॉट आपको देखने को मिलेंगे भाई। लिया है ड्रोन भाई, भाई के घड़िया देखो, काफिला देखो। अरे बाप रे, निकलने नहीं दे रहा भाई, निकलने नहीं दे रहा। टैनर देखो भाई, बहुत सुंदर लगती है यार, ग्रीन कलर की टैनर। टैनर का भी ना एक अलग ही रूप बना हुआ है। ये देखो सारी बाइक देख लो, लग चुकी हैं। ये बाइक क्या चक्कर है? मैं तो भगाई है भाई, मेरे चक्कर में भगाई है भाई को, थोड़ा सा खुश कर दे। चलो गाइस अब निकला जा रहा है यहाँ से। गाइस देखो सारा काफिला हमारे साथ। चलो गाइस निकला जा रहा है यहाँ से। और गाइस हमारा ना ये सिक्सर बहुत सुंदर है, सिक्सर दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो गाइस सिक्सर। हम यहाँ से लेने वाले हैं यू टर्न। देखो गाइस देखो काफिला देखो, अरे बाप रे। ये देखो गाइस हमारा सारे राइडर्स निकल चुके हैं। ये निंजा के ऊपर भी ना एक पिलियन में गर्ल है जो की राइड पे आए हुए हैं, देख रहे हो गाइस। गाइस हम आ चुके हैं थीम भाई 70 माइलस्टोन बोला था, वहाँ नहीं गए, आज यहीं आ गए हैं। बहुत बढ़िया राइड रही है, बहुत मजा आया। चलो गाइस निकलते हैं, अंदर चलते हैं। बहुत लाउड है यार। आ चुके थीम ग्रीन ग्रीक हाउस। हम पहले 70 माइल जा रहे थे अपना, वो थोड़ा ना पानीपत के पास में बढ़ जाता है, इसलिए गाइस वहाँ नहीं जा रहे। ये देखो गाइस सारी बाइक खड़ी, मेरी तो अलग से चमक रही है। गाइस ये भी काफ़ी सुंदर है, नहीं तो वो ना काफ़ी आगे पड़ रहा था इसलिए हम गए नहीं। मेरा फर्स्ट टाइम है भाई, काफ़ी सुंदर बना हुआ है यार। भाई भी आया हुआ व्लॉगिंग कर रहा है। और भाई ठीक हो? सुंदर बना रखा है ना, बिग ड्रीम गुड म्यूजिक एक्सपेंसिव टेस्ट। काफी सुंदर प्रॉपर्टी है। अभी वॉशरूम हो क्या है देखो गाइस, और हमारा सारा ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ है। गाइस अपना फूड आ चुका है। क्या बोल रहा है भाई? 70 माइलस्टोन बोल के दक्ष भैया ने हमें यहाँ बैठा दिया है भाई। इस बंदे की क्लास लगी हुई है तब से, खा क्या रहा है, ये भी पराठे ही बेल रहा है। दाल मखनी, दाल मखनी सुंदर है खाने वाले। नहीं तो भाई कहीं भी जाते थे ना, सिर्फ परांठों के साथ में मक्खन मिलता था, दाल मिली हुई है गाइस। छोटे छोटे समोसा भी मिला था। सही बात है, समोसा ही मिला, चाय आ गई। लो जी गाइस हम खा पी के फ्री हो चुके हैं, और गाइस यहाँ पे हमारे सारा ग्रुप बैठा हुआ, और भाई प्रॉपर बाहर शूट चल रहा है। लो जी अपनी हायाबुसा आ चुकी है भाई, जगह देखो कितनी बढ़िया लग रही है। ये अपनी है 3rd जन हायाबुसा 25th एनिवर्सरी। और गाइस मेरी भी बाइक ऐसी थी, बट मैंने रैप कराई है, बहुत बढ़िया लोकेशन लग रही है। यहाँ पे शूट चल रहा है हायाबुसा के साथ में, अभी भाई यहीं पे बर्न आउट करेंगे। लो जी गाइस बाजी मारने वाले, अब बर्नआउट चेक करो। आ चुके गाइस सारे राइडर्स, और भाई ये प्रॉपर ड्रोन लेके आ गया भाई। भाई बाइक पे बना दो व्हीली, मारते हुए ड्रोन सारे बनाएंगे। सो गाइस ड्रोन के शॉट आपको देखने को मिलेंगे भाई। लिया है ड्रोन, अब आपको ड्रोन के शॉट देखने को मिलेंगे। ये पूरा टायर खत्म कर दिया, अभी नया टायर डलवाया था गाइस, ये चेक करो, पूरा टायर खत्म कर दिया भाई बाजी ने तो। हाँ जी भाई ड्रोन में पता लगेगा भाई ने लिया शॉट, अब देखते हैं भाई कैसा आता है। गाइस दोबारा शॉट लिया जा रहा है ड्रोन से, क्योंकि जो पहले वाला शॉट था वो बढ़िया नहीं आया था। अब चेक करो ये शॉट कैसे आता है। शूट चल रहा है ड्रोन से, वो चल रहा है ऊपर ड्रोन, और भाई वो नीचे शूट कर रहा है सारी बाइक्स के साथ में। और गाइस यहाँ से अब निकलने की तैयारी है। अरे भाई वो देखो स्कॉर्पियो वाला भाई घुमानी शुरू कर दी, वो देखो भाई बाइक के घड़िया बाइक के गई हमारी। ये देखो यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ है। हेलो जी गाइस निकलने की तैयारी हो चुकी है, हम आ चुके गोप्रो में। भाई पुलिस वाले भी आ गए भाई, अभी स्कॉर्पियो घुमा रहा था। मुझे तो भाई डर लग रहा था कि बाइक्स में ना मार दे, क्योंकि भाई तुम्हें पता बाइक्स बहुत महंगी है। देखो ड्रोन के शॉट चल रहे हैं भाई दबा के। लो जी गाइस पुलिस वाले आ चुके हैं, संडे राइड वाले दिन। कम लाउड हो गई, अब कहां से
काम में नहीं चुपती रही अब। टर्नर देखो, टर्नर चेक कर रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत छोटी है भाई जो हमारे सामने खड़ी हुई है सिक्स आर। और गाइस आगे से ना आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सिक्स आर को, आगे से छोटी है बाकी पूरी तो टर्नर ही लग रही है। 600 बोलते हैं पर 636 है सीसी, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और वहाँ पे टर्नर भी स्टार्ट हो चुकी है, टर्नर के अंदर भी भाई ने ऑस्टिन रेसिंग लगा, बहुत सुंदर लग रही है ये भी। अब भाई निकलने की तैयारी है, यहाँ से सारे तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। रंधावा साहब को मैंने वहाँ पे भेज दिया स्पेशली। सो गाइस ये है सेकंड मीटिंग पॉइंट, हम वहाँ से निकल के रुक गए थे, लोग फुल नहीं करवा गए थे, मेरी हाफ टैंक हो गई है देखो। ये अभी सिर्फ गए हैं, अभी वापस जाना है, जाके फिर डलवाना पड़ेगा। ये खड़ी हुई है यहाँ पे सिक्स आर, अभी इसकी साउंड सुन लेते हैं स्टॉक के अंदर, भाई ने लिया, एक बार आवाज़ सुनते हैं कैसी है। भाई सामने भाई बहुत ही सूदिंग सी आवाज़ आ रही है, और ये कि एग्जॉस्ट लग के बहुत लाउड हो जाती है बाइक, बहुत सुंदर लग रही है। और उसके बाद ना हम ये देख, अभी तो ये स्टॉक है तो इतनी आवाज कर रही है, इसमें एग्जॉस्ट लग गया तो हिला देगी ये दो, है ना। लगवाया कि नहीं, लगवाओगे? लगवाऊंगा। अभी आपने न्यू लिया तभी, है ना। एवरेज वगैरह क्या दे रही है ये वैसे? अराउंड 13-14 दे रही है, 13-14 की। एक पे बैठ के देखते हैं क्या राइड है। राइडिंग पोस्टर तो काफी अच्छा है, एक बार काफी छोटी लग रही है मुझे बाइक सिक्स आर, और भाई वहां से फोटो कर रहे हैं। और एक बार सिक्स आर की हम ना आवाज भी सुन लेते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अभी स्टॉक के अंदर इतनी बाकी छोटी लग रही है बाइक थोड़ी। और गाइस बाइक बहुत सुंदर है वैसे देखने में, तभी लोग काफ़ी ले रहे हैं सिक्स आर को। लोग तो टेन आर के बाद ना सिक्स आर का नाम चलता है ना वो चल रहा है। ब्रदर ये जो टेन आर के अंदर लगाया हुआ है, रेप्लिका लगाया हुआ है? हा? ये रेप्लिका लगाया हुआ है टेन आर के अंदर, ओरिजिनल है। तो ये नीचे वाला कौन सा, मैं पहली बार देख रहा हूँ टेन आर में। ये ओनली वन इन इंडिया ही है, वन इन इंडिया ना ये। आवाज़ सुनाओ जरा एक बारी अपनी जनता को। तो यार ये लगाया कैसे है, मतलब कि ये आपने खुद फिटिंग करी है क्या करा है? ये मैंने कभी नहीं देखा भाई ऐसा। तो ये टिक्का कैसे हुआ है? जैसे S1 लिखता है, S1। हाँ ऐसी बैठ के S1। हाँ 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 हाँ। पर यार मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार ये चीज भाई, ये जुगाड़ देखो मुझे ना समझ नहीं आया। ये देखो गाइस प्रॉपर ना इन्होंने नीचे से फिटिंग दी हुई है, मुझे लग रहा था रेप्लिका है। ओरिजिनल है, एक बार आवाज सुनाओ। ठीक है, मैंने क्योंकि ना कभी भी किसी टेनर का ना देखा नहीं अभी तक। GP3 ओके गाइस, ये ना डिफरेंट चीज दिखी है मुझे टेन आर के अंदर। कहाँ से गाइस? इंग्लैंड से लेके आए, यूके से, लंदन से। अच्छा अच्छा गाइस, ये यूके का मैन्युफैक्चरर है। अभी इसकी आवाज सुनना जरा। ऑन ऑर्डर ही आता है। अच्छा ऑन ऑर्डर ही आता है ये, करना स्टार्ट करना जरा गाइस। देखो यार कान फाड़ दिए, और ये ना लाउड भी बहुत ज्यादा है यार। हाँ बेस बहुत ज्यादा है ये वाली। जब निकल रही थी ना मतलब कि ना शोर नहीं डाल रही थी, जैसे भूसा की बात थोड़ी भारी हो जाती है ना वो चीज। हाँ अच्छा, वाइब्रेशन देती है आपने कि कोई चीज गई है। समझ गया, और उतना ही फिर पावर भी फील होती है अपने को। नहीं ये बहुत बढ़िया चीज लगी, मैंने पहली बार देखी यार किसी। लोग इसे नहीं लगवाते क्योंकि इसको ना आपको 3 महीने वेट करना ही पड़ेगा। 3 महीने रेसिंग कभी भी हैंड टू हैंड कोई सामान नहीं। हाँ वो तो मुझे पता है, उसका तो है ही सीन। इसलिए रेप्लिका लगाते हैं, मुझे यही लग रहा। मैं कहा रेप्लिका लगाया हुआ भाई ने, मैं ये सोच रहा था। हाँ ये वो पता लग रहा है, ये तो हुआ पड़ा है, कलर ही चेंज हुआ पड़ा उसका। अच्छा समझ गया, आवाज बहुत बढ़िया आ रही है भाई। अच्छा घर पे ही शौकीन हो मतलब पूरे? बढ़िया यार, काफी गाइस अच्छी लग रही है टेनर। और भाई ने प्लेट भी वहाँ लगाई हुई है, और प्रॉपर नीचे से फिटिंग आई हुई है भाई। मुझे तो पहले समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ है, बाकी ये कि बाइक बहुत सुंदर लग रही है। अभी इस जगह से देखते हैं ना, ये देखो भाई, अब देखो ऑस्टिन रेसिंग नजर आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ हाँ चले चलो। अब देखना गाइस टेनर वर्सेस हायाबुसा होगा, और मजा आ जाएगा आपको। हो गया टर्नर वर्सेस हायाबुसा, हो गया भाई। पावर की बात करें ना, टर्नर को पावर इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना हल्की बाइक है। ये देखो वाओ भाई, मेरे ख्याल से ट्रैक करता है, लैग बार बार नीचे करता है ना वो, ये ट्रैक करने वालों को वो। हो गया टर्नर वर्सेस हायाबुसा, मजा आ रहा है राइड कर।
ना गियर शिफ्ट करेगा जो, बहुत सुंदर आवाज आ रही है टेनर की। अभी पीछे से निकलेगी ना देखना आवाज कितनी प्यारी आएगी। लोग टेनर लेते हैं बट वो ये कि वो ना रेप्लिका एग्जॉस्ट लगा देते हैं क्योंकि ना इस एग्जॉस्ट के लिए 3 महीने वेट करना पड़ता है। तो भाई कहता मैंने 2 दिन पहले ही इंस्टॉल करा, तो बाकी ये कि बहुत सुंदर आवाज आ रही थी टेनर की। ये देखो आवाज सुनना, वो देखो आवाज सुन रहे हो, खिंचा मार दे फिर हमें, मजा आ रहा भाई मजा आ रहा है। गाय थोड़ी ना गर्मी हो गई है, मेरे ख्याल से 10 बजने वाले हैं और गाय हम कोशिश करेंगे 11 बजे तक घर पहुंच जाएं। एक तो ना मक्खियां बहुत लग रही हैं, मुझे लग रहा है गोपरों के ऊपर भी ना मक्खी ना लग गई हो क्योंकि ना हेलमेट तो मेरा पूरा गंदा हो गया ब्लड ब्लड से। और हम ना वेट कर लेते, पीछे रह गए हैं भाई सारे, मैं ही उड़ता हुआ आ रहा था। मजा आ गया भाई। 3, 2, 1 कर दी पीछे निंजा, खच्चा मारते हैं भाई। भाई सिर्फ पावर टेस्टिंग हो रही है, बढ़ा के देख रहे हैं भाई। टनर पूरी खींच रहा भाई, देख कर दे पीछे टनर भाई। बहुत मजा आया सीरियसली भाई, सिर्फ आने टेस्टिंग करी है बाइक का ना, इंजन ऑयल डलवाया था और बाइक की सर्विस हुई है इसलिए। अब भाई ट्रैफिक ही मिलेगा, दिल्ली के अंदर घुसने वाले हैं बस हम। लो जी गाइस सिक्सर आ चुकी है, ये देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है। बिगनर्स के लिए बहुत सही चीज निकाली इन्होंने, छोटी है बाइक पर बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। लो जी भाई खींच दी भाई ने, वो देखो भाई देखो पूरी खींच रहा रहा वहाँ भाई। आवाज सुनो KTM की आवाज सुनो, ये देखो आवाज सुन रहे हो, आवाज सुनो मेरी बाइक 130 चल रही है, 140 चल रही है, वो देखो भाई देख रहे हो पावर KTM की भाई। साउंड देखो बेकार नहीं आ रहा, फट नहीं रहा साउंड, बहुत सुंदर साउंड आ रहा बाइक में भाई। चेक करो मेरी बाइक 130 चल रही है, वो देखो अभी भी आ गया KTM उससे। और गाइस बताता हूँ KTM ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कोई भाई डोमिनार KTM R15 में एग्जॉस्ट लगाने की सोच रहा है तो भाई मासूम भाई के पास चले जाओ करोलबाग। बाइक में परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा फर्क आया है कि बाइक ना आवाज भी चेंज कर रही है, मतलब कि आवाज चेंज हो गई है एग्जॉस्ट की, इंजन की नहीं एग्जॉस्ट की। तो बाइक ना मैंने अपना लास्ट सर्विस करवाई है, थर्ड सर्विस करवाई है, आवाज सुनना ये देखो सुंदर आवाज आ रही है गाइस। निंजा से बढ़िया आवाज आ रही है, नहीं तो निंजा 300 की सबसे बढ़िया आवाज थी, उससे बढ़िया आवाज आ रही है। चलो गाइस और अब भाई चल रहे हैं बैक टू टाउन, दिल्ली के पहाड़ों में आ चुके हैं ये देखो। और गाइस बहुत बढ़िया राइड रही आज, मेरी फर्स्ट टाइम राइड थी यहाँ पे। हमने एक्चुअली जाना 70 miles था बट वो ना यहाँ से थोड़ा ज्यादा नियर पड़ रहा था, हमने राइड थोड़ी बड़ी करनी थी इसलिए गाइस हम चले गए मुरतल क्रॉस करके जहाँ पे हम गए थे। मुझे फूड बहुत बढ़िया था उसका, अब देखो भाई पूरी लेटी हुई भाई, मिशलिन डाले थे मैंने टायर, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा यार इन्होंने। और गाइस बता दूं कि यार अगली बार KTM की जगह ना यहाँ पे BMW 1000 RR होगी नेक्स्ट संडे राइड पे। मुझे पता है BMW मैं मिस कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा अलॉय टूट गया था बाइक का, तो भाई मुझे बहुत खराब करा कंपनी वालों ने, मुझे कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। उन्हें 3 lakh rupees का खर्चा बता रहे थे, वो अलॉय 2.5 lakh rupees का था और जर्मन से आना था क्योंकि यहाँ पे बनते नहीं है। मेरी 3 से 4 महीने बाइक कंपनी में खड़ी रही, बहुत परेशान हुआ हूँ मैं। उसके बाद मैंने बाइक को सेल आउट कर दिया, बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं लाइफ में, इसलिए मैंने बाइक भेज दी थी। पर अब 1000 RR फिर ले रहा हूँ, आपको पता है BMW ले ली है गाड़ी, गाड़ी के साथ में बाइक का कॉम्बिनेशन होगा और इसका रेड का थार के साथ तो है ही। तो गाइस नेक्स्ट टाइम संडे राइड पे यहाँ पे BMW चल रही होगी हायाबुसा के साथ में, तो गाइस नेक्स्ट संडे राइड भी देखना ना भूलना। मुझे पता काफी लोग मिस कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं तो आपके BMW कहाँ पे है, कि अब आएंगे भाई, आएंगे पूरी तैयारी के साथ आएंगे, ये नहीं कि भाई ऐसे आएंगे। अभी तो भाई टाइम पास कर रहे थे, काफी लोग बोल रहे हैं व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भाई वही है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ इसलिए भाई रेटिंग नहीं बढ़ पा रही, एक्टिव नहीं हूँ तो भाई व्लॉग्स नहीं आ पा रहे, तो इस चक्कर में जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलाएंगे। चेक कर लो 2 किलोमीटर से हाथ छोड़ के बाइक चला रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल लगा हुआ, देखो भाई भी वीडियो बना रहा है, 2 किलोमीटर से भाई ऐसे बाइक चल रही है देखो। अब ये देखना पूरा फ्लाईओवर जब तक उतरेगा नहीं, ये देखो ऐसे ही रहेगी, भाई भी सामने से शॉट ले रहा भाई हट जा यार, ये देखो गाइस भाई भी शॉट ले रहा है, ये देखो भाई ऐसे ही चल रही है हाथ छोड़ के भाई, देख रहे हो भाई 2 किलोमीटर से। अब एक और ट्रेंड सेट करना पड़ेगा भाई क्राइस के अंदर, देखो गाइस अपने अभी चल रही है अभी भी भाई, कितनी देर हो चुकी है, ये देखो भाई पूरा फ्लाईओवर उतर गया हाथ छोड़े हुए थे। लो जी भाई फ्लाईओवर भी पूरा उतर गया, बट अब रोकना पड़ेगा मुझे, देखो मैंने ब्रेक मार के क्रूज कंट्रोल हटा दिया है, तो ये देखो गाइस पहुंच चुके हैं नीचे। लो गाइस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं,
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू।